ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਹਮੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਮੇਂ ਲੋਕ ਰਹ ਰਹੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਜਗੜਾ ਜਾ ਰਹਾ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਕੋ ਬਸੇ ਹੋਏ 50 ਸਾਲ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ मैंने इतने एमपी देखे हैं जो भी आता है वो यही कहता है मकानों का मालिकाना हक दिलवाएंगे लेकिन एक भी एमपी ने अभी तक इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया। अर्थ प्रकाश टीवी के दर्शकों को नमस्कार। चंडीगढ़ के अपने बहुत से मुद्दे हैं, इनमें से एक मुद्दा चंडीगढ़ में रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत बसी हुई कॉलोनियों का है। वर्षों से ये लोग इन कॉलोनियों के मालिकाना हक को लेकर बार बार अपनी आवाज उठाते रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो एक बार फिर से ये मुद्दा उछलकर बाहर आ जाता है। हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की बापू धाम रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में और मेरे साथ इस वक्त हैं इस कॉलोनी के बाशिंदे और चंडीगढ़ में लगभग 50 सालों से रह रहे श्री वीरेंद्र पांडे जी, जिन्होंने चंडीगढ़ की राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर इनकी राय। श्री वीरेंद्र पांडे जी, तो आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, जो भी आप इस मुद्दे को लेकर के कॉलोनी के पूरे चंडीगढ़ को कॉलोनी के मुद्दे को लेकर के आप लोगों की राय जाननी चाहिए, तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात ये है कि मकान के मुद्दे जो है मालिकाना हक तो चाहिए चाहिए, साथ में जितने जीपीए होल्डर हैं उनके नाम भी मकान होना चाहिए। तो जब भी मालिकाना हक का बात आता है तो प्रशासन यहाँ पर यही बात करते हैं कि जीपीए होल्डर है। चंडीगढ़ के अंदर 90% कॉलोनी हो या सेक्टर हो सारे जीपीए पर बिके हुए हैं, इसलिए मैं तो यहाँ के स्थानीय नेता से यही मैं हाथ जोड़ के बार बार बिना निवेदन करूँगा कि एक तो जीपी होल्डर जितने भी हैं उनके नाम मकान किया जाए और जो ओरिजिनल लॉटरी है मकान का कीमत लगा करके उनको रजिस्ट्री मिला है। लेकिन वीरेंद्र जी, आपको शायद ज्ञात हो कि नवंबर 2023 में यह मुद्दा उछलकर आया था बाहर और शहर की राजनीति में हलचल मच गई थी। उस वक्त शहर के प्रशासक को इस बात में दखल देना पड़ा था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया था कि जो भी व्यक्ति इस मकान में इस वक्त बैठा है और पिछले सर्वे में उनका नाम है उनको मकान से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इस मकान के जो मालिकाना हक का मुद्दा है वो शहर के प्रशासन के हाथ में नहीं है, तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव आ गए हैं और लगभग सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा क्या इस चुनाव को प्रभावित कर पाएगा? जरूर करेगा, क्योंकि जितने भी चंडीगढ़ के स्लम एरिया में जितने भी निवासी हैं जो रहते हैं तकरीबन इनको सारे को प्रवासी बोलते हैं, पर प्रवासी तो नहीं आए तो हिंदुस्तान में रहते हैं। और आज जैसे मेरे को ही 48 ईयर रहते हैं यहाँ चंडीगढ़ में हो गया, मैं श्री जगन्नाथ कौशल जी के टाइम से इन मकान के मालिकाना हक की बात चल रही है। उनके पास सतपाल जी जैना है और बंसल साहब जी आए, सबके सामने बात रखी गई, लेकिन आज दिन तक ये सारा काम जो है मालिकाना हक का जो मुद्दा है इलेक्शन टाइम में उठता है, बाद में झंडे वस्तु डल जाता है, इलेक्शन के टाइम में वोट लिया उसके बाद नहीं, इन नेताओं को ये नहीं पता इस कॉलोनी में कोई इंसान भी रहते हैं और कोई जरूरत भी, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा कोई हमारे छोटा सा ही काम पड़ जाए तो मकान का किसी का जमानत लेना है, कोई लोन लेना है, किसी तरह के इस मकान के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो इसका वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए हम जो आज दिन तक 50 सालों लोगों के ही पैर पूछते रहे हमारे को किसी नेता ने
पारे कॉलोनी वाले को कोई फायदा नहीं। जैसा कि हमने अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से आप लोगों को बताया कि वीरेंद्र जी ने एक बहुत लंबा अरसा शहर में बिताया है और लगभग जगन्नाथ कौशल जी जो आज से लगभग 45-50 साल पहले यहाँ से सांसद हुआ करते थे उस वक्त तक का ये मुद्दा पेंडिंग पड़ा है। तो मेरी आपसे एक बार फिर मैं आपसे अपना क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ जो इन्होंने साफ ही कर दिया है कि ये मुद्दा इस चुनाव को प्रभावित करेगा। तो वीरेंद्र जी, क्या ये मुद्दा इस पॉइंट पर आएगा कि कोई भी जो प्रत्याशी यहाँ पे आता है उसको इसी बात पर वोट दिया जाए कि हमारे मकानों का मुद्दा जो हल होना चाहिए? ऐसा है कि मुद्दा तो होना चाहिए और प्रभावित को करेगा, ये राजनीति है, ये पब्लिक है, हर कोई चाहता है कि मिले, लेकिन जिस दिन सारी पब्लिक सचेत होगी तो इन नेताओं को भी बहुत कड़ा जवाब देना पड़ेगा। और इस बार मेन मुद्दा इन चीज का रहना चाहिए, पक्का होना चाहिए और ये मुद्दा बराबर इस चुनाव में होना चाहिए। वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 50 साल से ये मुद्दा इसी तरह से लटकता आ रहा है, अब हर बार प्रत्याशी जीतकर यहाँ से जाता है लेकिन मुद्दा वहीं रह जाता है, अगर अब की बार भी यहाँ से जो प्रत्याशी है इसी वायदे पर आप उसको जिता देते हैं तो फिर उसका क्या इलाज है? मेन बात है वो इलाज तो कोई नहीं है, बागडोर उनके हाथ होता है, हम लोग तो उम्मीद पर ही जी रहे हैं 50 साल। तो आज भी ऐसा होगा तो कॉलोनी वाले किस्मत मड़ी किस्मत की बात कहूँगा क्या? 50 साल हो गए जी उन्हें रेंदे हैं, वोटा पाने साढ़े नौ तक मकान नहीं होया, बेरोजगारी इन्नी बढ़ी हुई है, कहा किसी ने नौकरियां मिली साढ़े बच्चों, बेरोजगार फिरते बच्चे साढ़े, इस करके असी तो वोट ही नहीं किसी देनी। जोड़ा भी आता 5 साल के बाद आइए कहता कल साढ़े बच्चे नौकर करावे, तुम नौकरियां देवे, गरीबी हटावे, गरीबी कोई नहीं हटा अपने घर पर। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਾਰਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। वोट सर उसको मिलेंगे जो हमारा काम कराएगा, हमें 50-50 साल हो गई या बापूराव कॉलोनी में रहते हुए हर कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, अभी तक राशन नहीं मिली और गरीब आदमी बहुत बिगड़ा जा रहा है इस टाइम, नहीं लेकिन लाइसेंस बनाए नहीं, पर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार जुर्माना रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, कहाँ से लोग कमाइए, लेकिन लाइसेंस बना के नहीं देते। आपकी क्या राय है जो ये 50 साल से मकान आपके हैं? हमारे नाम होने चाहिए, आपके नाम होने चाहिए। हाँ, हमारे नाम होने चाहिए। तो लेकिन 10 सांसद यहाँ से जीत कर गए होंगे चंडीगढ़ से, हर एक ने यही वायदा किया, तो अब इसका क्या हल है, क्या सोचते हैं? नहीं, मकान तो होने चाहिए, अब की बार जो भी यहाँ से प्रत्याशी आएगा वो आप किसी को भी डाल दो ठीक है जी, लेकिन वो जाकर फिर अगर नाम नहीं कराता तो क्या हल है इस चीज का? फिर कौन पूछेगा ना, किसी ने नहीं पूछा। तो आप 9 साल से यही वादा सुनते आके? ना ना ना, असी बेटे मेरी सुन, असी ब्राह्मण है, जहाँ एक बारी खड़ गए वहाँ डट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम गिरे बेटी हैं। नमस्कार, मैं गोपाल अत्री बापूधाम निवासी। आज चुनाव का दौर आज से शुरू हो चुका है और ये MP चुनाव है जिसमें बड़े सभी MP आकर के अपने वादों में एक वादा जरूर करेंगे कि हम कॉलोनियों के मकानों को पक्का करेंगे। जो ये हम सुनते आ रहे हैं, आज इस कॉलोनी को बसे हुए 50 साल के करीब होने जा रहे हैं,
मैंने इतने एमपी देखे हैं, जो भी आता है वो यही कहता है कि हम आपके मकानों को, मकानों का मालिकाना हक दिलवाएंगे, लेकिन एक भी एमपी ने अभी तक इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एमपी चाहे तो इन मकानों का मालिकाना हक दिलवा सकता है, लेकिन यहाँ का एमपी ही नहीं चाहता मकान मालिकाना हक मिल सके। ये एमपी की बहुत बड़ी निकम्मता है, वो इन मुद्दों को क्या जानेगी। एमपी आज हमारे इस चंडीगढ़ में भाजपा का एमपी 10 सालों से है। पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि मालिकाना हक दिलवाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर 5 साल बाद फिर आएंगे और फिर कहेंगे कि हम मालिकाना हक दिलाएंगे। मैं तो सभी अपना चंडीगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा कि जो हमें मालिकाना हक दिलाए और इस बात को रखे, हमने उसी को जिताना है। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि ऐसे किसी भी जुमलेबाजी में ना फंसे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जो आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, और एक बहुत ही हमारे सभी कॉलोनियों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और मैं भी इस कॉलोनी के अंदर बचपन से रह रहा हूँ। मेरा नाम राजकिशोर है, पेशे से वकील हूँ और नगर निगम का 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और हर एक बारीकियों को अपने इस कॉलोनी के बारे में और शहर की बारीकियों के बारे में जानता भी हूँ। देखिए, जब से 1975 से जब से कॉलोनियाँ अलाट हुई हैं और हमारी कॉलोनी अलाट हुई है बाबूधाम, तब से यहाँ पर देखिए 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे पवन कुमार बंसल जी। पवन कुमार बंसल जी देखिए 20 साल कोई कम नहीं होते हैं, और 20 साल एक शहर का नेतृत्व करना तो एक तो कोई पुराना मुद्दा कोई भी हो सकता है, वो बंदा आराम से जो है उस मुद्दे को हल कर सकता है। उन्होंने कभी इस मुद्दे को हल नहीं किया, ये डिमांड हमारी शुरू से ही है, पर पवन कुमार बंसल जी ने उनके जू नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन से पहले वादे किए कि हाँ मालिकाना हक दे देंगे, पर उन्होंने आज तक जो मालिकाना हक नहीं दिया। और सेंट्रल मिनिस्टर रहे, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी पावर भी रहे हैं, वो चाहते तो संसद के अंदर बात उठा सकते थे। देखिए, हमारी अब लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पर घोषणा हो चुकी है और 1 जून को यहाँ पर चुनाव है लोकसभा का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पिछले 10 साल हमारी भाजपा की सांसद आदरणीय किरण खेर रही, उन्होंने प्रयास किए इसके लिए कि यहाँ मालिकाना हक मिलना चाहिए, और उन्होंने ये अब हम सब जानते हैं कि भी पूरी कॉलोनी के अंदर सर्वे भी हुआ है, ये कोई ऑन रिकॉर्ड है, और ये किसने कराया, ये भाजपा की सरकार ने कराया सर्वे जो हुए हैं। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनी में 90% जो मकान जो बिक चुके हैं, और पेचीदगी कानून की पेचीदगी है ये हम सब जानते हैं, पर उसी के लिए सर्वे हुए हैं। और अब हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे पर जो लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय टंडन जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया भाजपा का, तो वो हर हालत में इस मुद्दे को जरूर वो जीतने के बाद अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी आशा है, क्योंकि भाजपा सरकार जैसे कहती है वह करती है, और इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि सर्वे हो चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इसको मालिकाना हक का मुद्दा जो है जरूर इसको मालिकाना हक जो है देगी। ये हमारी पूरी आशा है भाजपा की सरकार से।